पाँच साल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब परेशान और पीड़ित हो चुके हैं। सबसे पहले तो हमारी प्रथम प्राथमिकता है विकास की, बाकी जो वहाँ पे शिक्षा, लहरपुर में शिक्षा भी, उसको भी बढ़ाना है। मैं बुजुर्गों का, लोगों का बेटा हूँ, पहली बार आया हूँ, मुझे आगे बढ़ाएं, आशीर्वाद दें। मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि लोग कहेंगे कि हाँ, ये वाकई बुनियाद हुसैन अंसारी का बेटा है। सीतापुर के लहरपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार नामांकन कर लौट रहे हैं जुनेद अंसारी। और आपको बता दें कि इनके पिता बुनियाद हुसैन अंसारी जो 10 साल तक लहरपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और राजनीति के केंद्रबिंदु में रहते थे, जब भी कोई चुनाव आता था बुनियाद हुसैन अंसारी का नाम चर्चा में रहता था। अब वो नहीं हैं, उनके बेटे ने राजनीति की शुरुआत कर दी है और आज नामांकन कर वो लौट रहे हैं आई इंडिया से खास बातचीत के लिए। जानेंगे लहरपुर विधानसभा क्षेत्र जहाँ से आपके पिता 10 साल तक विधायक रहे, अब क्या मानते हैं पिता के आशीर्वाद से लहरपुर में एक बार फिर आप वहाँ स्थापित होंगे? बिल्कुल अवश्य भैया, क्योंकि लोगों का बड़ा स्नेह और प्यार मिल रहा है और 5 साल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब परेशान और पीड़ित हो चुके हैं। जिस गांव में जाता हूँ औरतें मिलती हैं, पूछो आदमी कहाँ, तो कहते हैं खेत बचा रहे हैं। इस 5 साल में बहुत लोग परेशान हुए, परिवर्तन हो चुका है। 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है और बहन कुमारी मायावती अगली मुख्यमंत्री बनने वाली है। ये बताइए कि वहाँ पर आप क्या समीकरण पाते हैं जो आपकी जीत का आधार हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वो कहाँ पे फेल नज़र आते हैं? हमारा हमेशा लहरपुर से बहुजन समाज पार्टी विनर रही है, पिछली बार हारी भी तो सेकेंड पोजिशन पर रही, और हमारे साथ दलित समाज है और सर्व समाज है, वो कोई भी समाज हो हमारे साथ है, और मुस्लिम समाज भी है। इसलिए हमारे बहुजन समाज पार्टी को सभी लोग जानते हैं कि अच्छा खासा उसके साथ वोट बैंक होता है, और इसलिए हमें पूरी आशा है बहुत अच्छे वोटों से सीट जीतेंगे। एक चीज़ बताइए कि यदि आपको जनता मौका देती है लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो आपको क्या नज़र आता है वहाँ, कौन कौन सी चीज़ आवश्यकताएँ हैं जिनकी आप पूर्ति कराएंगे? सबसे पहले तो हमारी प्रथम प्राथमिकता है विकास की, बाकी जो वहाँ पे शिक्षा, लहरपुर में शिक्षा भी, उसको भी बढ़ाना है, और बहुत चीज़ें हम देख रहे हैं वहाँ पे, बस स्टाफ, बस अड्डे की एक आवश्यकता है और चिकित्सा की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि इस 5 साल के सरकार में बहुत उत्पीड़न लोगों का हुआ है। जो मैं कैंपेन कर रहा हूँ लगातार, गाँव में जा रहा हूँ, लहरपुर कस्बे की भी हालत जैसी थी वैसी नहीं रह गई, तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। आप पिता की कमी महसूस होगी इस चुनाव में, उनका आशीर्वाद कैसे आपको मिलेगा? ये बात तो सही है, अवश्य कोई किसी के भी पिता हो ना रह जाए तो उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि एक नहीं हजारों पिता बन के सामने आए हैं, सब लोग बुजुर्ग लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, सर पे हाथ रख रहे हैं, और कहते ये भी हैं कि कुछ गाँव तो ऐसे हैं कि हमारे बुनियाद हुसैन अंसारी पिताजी के बहुत से काम उन्होंने किए हैं, जिस गांव में जाता हूं कहीं बिजली दी, कहीं पानी दी, बहुत से बुज़ुर्गों के बच्चों को शिक्षा का दिया, नल लगवाए, तो बहुत सा फ़ायदा हमें वो भी मिल रहा है। पिताजी की जो कार्य थे उससे हमें बड़ा लाभ भैया मिल रहा है, और पूरा समाज परेशान हो चुका है इस सरकार से, परिवर्तन होने वाला है। 2022 में अगली मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी बनने जा रही हैं। लहरपुर में एक चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये कि एक मौजूदा जो विधायक हैं वो फिर से मैदान में हैं, और एक जो 3 बार विधायक रहे अनिल वर्मा, जिनको क्षेत्र की जनता देख चुकी है, तो ऐसे में आप युवा हैं, पहली बार मैदान में उतर रहे हैं, इसका भी आपको लगता है कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा? अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि जो कार्य कर चुका होता है, जो सीट पर बैठता है, कुछ ना कुछ उसकी बुराई भी हो जाती है। मैं पहली बार आया हूँ, मेरे पिताजी ने बहुत से काम किए हैं, लोग तारीफ़ करते हैं, उनका मुझे फ़ायदा मिलेगा, और मैं पहली बार आया हूं क्षेत्र की जनता से, आपके माध्यम से भैया और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि मैं बुज़ुर्गों का, लोगों का बेटा हूं, पहली बार आया हूं, मुझे आगे बढ़ाएं, आशीर्वाद दें।
मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि लोग कहेंगे कि हाँ ये वाकई बुनियाद हुसैन अंसारी का बेटा है। लोग कहेंगे वाकई बुनियाद हुसैन अंसारी का ये बेटा है, और यही कारण है कि वो लोगों से आशीर्वाद मांगकर अब लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के मैदान में कूद चुके हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। फिलहाल सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभु शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर।